मित्रों, देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करने से आर्थिक संकट समाप्त हो जाता है। खासकर शुक्रवार को वहां जाना चाहिए। मित्रों, क्या आपको पता है देश में कौन कौन माँ लक्ष्मी का मंदिर है जो न सिर्फ विश्व विख्यात है बल्कि सर्वशक्तिशाली भी है, जहाँ दर्शन मात्र से आपके सभी आर्थिक कष्टों का निवारण होता है? नहीं पता है ना मित्रों? यह तो महालक्ष्मी और लक्ष्मी जी के कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, परंतु उनमें से भारत के 10 विश्व विख्यात तथा शक्तिशाली मंदिर के बारे में आज हम आपको बताते हैं। इनके दर्शन मात्र से आपकी आर्थिक समस्या का समाधान हो जाता है, तो आइए बताते हैं। पहला मंदिर है पद्मावती का मंदिर। तिरुपति के पास तिरुचुरा नामक एक छोटा सा गाँव है। इस गाँव में देवी पद्मावती का सुंदर मंदिर है। यह मंदिर अलमेलमंगापुरम के नाम से भी जाना जाता है। लोक मान्यता है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में मांगी मुराद तभी पूरी होती है जब श्रद्धालु बालाजी के साथ साथ देवी पद्मावती का आशीर्वाद भी ले लें। दूसरा मंदिर है दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर। भारतीय राज्य तमिलनाडु के जिले वेलू में स्थित थिरुमलीकोट गांव श्रीपुरम में स्थित महालक्ष्मी मंदिर को दक्षिण भारत का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। 100 एकड़ में फैला यह मंदिर चेन्नई से 145 किलोमीटर दूर पल्लार नदी के किनारे स्थित है। तीसरा मंदिर है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन यहां से अपार मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी। यह मंदिर अपने सोने के खजाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को त्रावणकोर के राजाओं ने बनाया था। इसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी आता है, लेकिन मंदिर के मौजूदा स्वरूप को 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चौथा मंदिर है मुंबई का महालक्ष्मी मंदिर। समुद्र के किनारे भी देसाई मार्ग पर स्थित यह मंदिर अत्यंत सुंदर, आकर्षक और लाखों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ज्ञात इतिहास के अनुसार इस महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना अंग्रेजों के काल में हुई। उस समय देवी लक्ष्मी एक ठेकेदार रामजी शिवाजी के स्वप्न में प्रकट हुई और उन्हें समुद्र तल से देवियों की 3 प्रतिमाएं निकालकर मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया। मंदिर के गर्भगृह में महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती तीनों देवियों की प्रतिमाएं एक साथ विद्यमान हैं। पांचवा मंदिर है कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर। कोल्हापुर महाराष्ट्र का एक जिला है। कहा जाता है कि यहां स्थित महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण चालुक्य शासक करुणादेव ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इसके बाद शिलहार यादव ने 9वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में देवी महालक्ष्मी की लगभग 40 किलो की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी लंबाई लगभग 4 फीट की है। कहा जाता है कि यहाँ की लक्ष्मी प्रतिमा लगभग 7000 साल पुरानी है। छठा मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से एक लक्ष्मी नारायण मंदिर को मूल रूप में 1622 में वीर सिंह देव ने बनवाया था। उसके बाद पृथ्वी सिंह ने 1793 में इसका जीर्णोद्धार कराया। इसके बाद सन 1938 में भारत के बड़े औद्योगिक परिवार बिरला समूह ने इसका विस्तार और पुनरुद्धार कराया, जिसके बाद इसे बिरला मंदिर भी कहा जाता है। सातवां मंदिर है इंदौर का महालक्ष्मी मंदिर। इंदौर शहर के हृदय स्थल राजवाड़ा की शान कहे जाने वाले श्री महालक्ष्मी मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1832 में मल्हारराव द्वितीय ने कराया था। 1933 में यह 3 तलों वाला मंदिर था जो आग के कारण तहस नहस हो गया था। 1942 में मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया गया था। वर्तमान में मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसे भव्य रूप दिया गया है। आठवां मंदिर है चौरासी मंदिर। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा से 65 किलोमीटर दूर भरमौर जिला नगर में स्थित है। यहाँ महालक्ष्मी के साथ गणेश जी और नरसिंह भगवान की मूर्ति भी स्थित है। प्राकृतिक वादियों में बसा यह मंदिर ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नौवां मंदिर है चंबा का लक्ष्मी नारायण का मंदिर। हिमाचल के चंबा में स्थित यह मंदिर पारंपरिक वास्तुकारी और मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
चंबा के 6 प्रमुख मंदिरों में यह मंदिर सबसे विशाल और प्राचीन है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली में निर्मित है। 10वां मंदिर है अष्टलक्ष्मी मंदिर। चेन्नई के एलियट समुद्र तट के पास स्थित यह मंदिर लगभग 65 फीट लंबा और 45 फीट चौड़ा है। मंदिर में देवी लक्ष्मी के 8 स्वरूप 4 मंजिल में बने 8 अलग अलग कमरों में स्थापित है। इस मंदिर में देवी लक्ष्मी अपने पति और भगवान विष्णु के साथ मंदिर की दूसरी मंजिल में विराजित है। मित्रों है ना मजेदार आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक जानकारी, तब आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सनातन हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी आप तक तुरंत पहुंचे। बहुत जल्द ही हम आपको एक एक कर सभी महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो तथा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए